जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एक सर्विसमैन अतर सिंह और आज मैं आपको बात करने वाला हूं पेंशनर की, जो कितनी बड़ी पेंशन और कितना मिलेगा एरियर, देखिए किसको कितना होगा फ़ायदा। पेंशन रिवीजन चार्ट इज़ आउट ऑन 10 जून 2021, यानी आपकी 1 जनवरी 2016 को क्या पेंशन होगी और उससे पहले जो रिटायर्ड हुए हैं उनकी क्या पेंशन है और जो फर्दर 7th पे कमीशन में जो पेंशन बन रही है उनका डिफरेंस होगा क्या और डिफरेंस आपको एरियर के रूप में कितना मिलेगा, ये मेरे आज की वीडियो का टॉपिक है। तो इसी के बारे में इस वीडियो में आज बात करने वाला हूँ। अब मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ उस लेटर पर, जो सब्जेक्ट है वो है इशू ऑफ कंकॉर्डेंस टेबल फॉर रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ प्री 2016 पेंशनर्स ऑफ फैमिली पेंशनर्स अंडर फर्स्ट फॉर्मुलेशन इन implementations of government decision on the recommendation 7th pay commission regarding। अब इसमें क्या आपको मिलने वाला है वो चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो चार्ट है, इस चार्ट में 1 जनवरी 2016 से मैंने इसको लिया है। तो इसमें मैंने सबसे पहले सिपाही का लिया जिसका पे लेवल 3 होता है जिसको, और उसके बाद में मैंने लिया है नायक का, नायक सबसेंटिव जो उसका पे लेवल 4 होता है, उसके बाद लिया मैंने हवालदार सबसेंटिव जिसका पे लेवल 5 होता है। तो सिपाही की जो इसकी 15 ईयर सर्विस है उसको नेट पे मिल रही है 33,000, MHP 5200, टोटल हैगी उसकी 38,200, तो जाहिर उसको पेंशन मिलेगी 19,100। अब जब उस 1 जनवरी 2016 में उससे पहले जब वो पेंशन लेता था तो वो पेंशन उसको मिलती थी कितनी, 6,665 × 2.57, यानी कि 2.57 का जो मैट्रिक्स है एरियर का तो 6,665 मिलती थी। उसके बाद 7th पे कमीशन ने 2.57 से मल्टीप्लाई होकर 17,119 हो गई और उसका जो एरियर हुआ वो 19,100 माइनस 17,129 हो गया, तो टोटल एरियर उसका 1971 हो गया एक महीने का। अब 12 महीने का और 5 साल का एरियर आप खुद कैलकुलेट कर लेते हो, कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करूँगा 17 ईयर्स का जो जवान कलर पेंशन जाता है, 36,000 उसकी बेसिक पे रहती है, MSP 5200 है ही, टोटल पे बनती है उसकी 46,200 और उसकी पेंशन की बात करें तो 23,100 बनती है। पहले उसको मिलती थी 7,170 और 7th पे कमीशन के बाद उसको मिलने लगी 2.5 से मल्टीप्लाई करने पर 18,447 और अब उसके पास जो एरियर आएगा वो आएगा 4673 रुपया पर मंथ का। तो 12 महीने का आप लगा लीजिए और 5 साल का आप खुद ही लगा सकते हैं अपनी रैंक के हिसाब से, अपनी सर्विस के हिसाब। सेम नायक के लिए है, सब्सटेंटिव नायक जो जिसका पे लेवल 4 होता है, 20 ईयर सर्विस कम से कम मान के चलता हूँ मैं, 44,800 उसकी नेट पे है, 5200 MSP है, उसके बाद टोटल पे उसकी 50,000 बनती है, तो जाहिर है पेंशन उसकी 25,000 बनेगी। इसी के साथ उसको पहले 7,170 मिलते थे, 2.57 से मल्टीप्लाई करके 1,827 मिले तो उसका एरियर आया 6,673 प्रति मंथ। तो 12 महीने को इससे गुना कर लो और उसके बाद 5 साल को गुना कर लो, उतना पैसा आपको एरियर के रूप में मिलने वाला है। सेम हवलदार की आपके सामने 57,500, लेवल 5 है इसका, 5,200 62,700 उसकी बन गई है और 31,350 उसकी पेंशन है, 78,008 × 2.57 करेंगे तो 20,067 और 11,283 रुपया पर मंथ उसका एरर आएगा। तो 5 साल में लगभग उसका जो एरर है वो 5 लाख से ऊपर आने वाला है। तो दोस्तों ये जो भी मैंने वर्कआउट किया है वो आपकी पेंशन रिवीजन टेबल 69 पेज की जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसके पेज 50, 51, 52, 53, 54 देख लेना आप। जो ये चार्ट मैंने बनाया इसको यदि आप अंडरस्टैंडिंग कर गए ना तो आपको समझ में आ जाएगा आपको कितना एरियर मिलने वाला है। मैंने आपको बिल्कुल एक सिंपल फॉर्म में इस चीज़ समझाई है, बहुत ज़्यादा इसको मैंने मैट्रिक्स नहीं लगाई इसके अंदर। तो पेंशन के लिए, पेंशनरों के लिए बहुत बड़ी राहत है और कई अपडेट जो इससे संबंधित और कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको उसके बारे में इतला कर दूंगा। तब तक आप अपनी कैलकुलेशन लगाइए और देखिए आपका नंबर कहाँ पड़ रहा है और क्या आपको मिलने वाला है। और दोस्तों यदि वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फौजी दोस्तों के साथ या जो भी अपने दोस्त हैं उनके साथ, और बने रहे मेरे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।